हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और देखिए मैं अभी उठाऊँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग ये स्टार्ट करने से पहले मैं पहले नहा धो के रेडी हो जाता हूँ, फिर तब जा करके उसके बाद मिलता हूँ आपको। रेडी होने के बाद मैं अभी छत में आ रखा हूँ। देखिए आप, मौसम कितना सुहाना हो रखा है यहाँ पे, कितनी अच्छी धूप आ रखी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो भाई साहब, जब आप किसी खुले मतलब आसमान के नीचे इतने अच्छे मौसम में होते हो ना, और अपनी बाहें फैला करके इस नेचर को फील करते हो, तो कुछ अलग ही लेवल का मज़ा आता है इसमें। तो कभी आप ऐसे ही खुले आसमान के नीचे एक बार बाहें फैला करके ठंडी ठंडी हवाओं से नेचर को फील करना बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो गाइस, अभी अब मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब मैं मेरा टाइम भी हो रहा है, अब मैं निकलूँगा अपनी ड्यूटी काम के लिए। तो आपसे इसी बीच में मतलब मेरे को गाइस जाने का कहीं इधर उधर मौका मिल नहीं पाता है, टाइम मिल नहीं पाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही अपने मतलब रूम छत पे और अपने काम पे यही मतलब इतने ही मतलब उस पर एरिया पे वीडियो में बना पा रहा हूँ। और अब जल्द ही मतलब मैं बाहर भी जाऊँगा, यही मतलब इधर उधर भी जाऊँगा घूमने, तो वहाँ की भी वीडियो मतलब बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा आपको। आई को और भी ब्लॉग काफ़ी आएंगे मेरी वीडियो में। तो चलिए, अभी तो मैं फ़िलहाल मतलब टाइम हो रहा है, तो अब मैं ड्यूटी पर चलता हूँ काम को अपने। तो आप भी बने रहिए इस वीडियो में, तो दिन भर में क्या क्या होता है वो देखिए आप भी। और गाइस, काफ़ी लोगों का बड़े मतलब मानना होता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे तन अच्छे मन से एक अच्छी मीठी वाणी से अगर शुरुआत अपने दिन की करते हो, तो उस दिन का मतलब पूरे दिन भर वो आपका दिन अच्छा जाता है। और अगर एक एक दिन अगर आपका अच्छा जाता है, तो एक महीना पूरा अच्छा जाएगा, एक महीना अगर पूरा अच्छा जाता है तो एक साल पूरा अच्छा जाएगा। तो आप जितने ही अपने तन मन से मतलब स्टार्ट करोगे एक दिन को, और अपने सच्चे दिल से अपनी एक अच्छी वाणी से अगर आप प्रस्तुति करोगे अपने दिन को, मतलब स्टार्ट करोगे शुरुआत करोगे, तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा पूरा। तो गाइस, अभी इसी बीच में तो मतलब मैं अपने दिन की भी शुरुआत ऐसी करना चाहता हूँ। तो आपको मैं मतलब अभी एक कबीर का जो कबीर जी का दोहा होता है वो मेरे को काफ़ी पसंद है, तो मैं अपने आज के दिन की शुरुआत उसी दोहे के उससे मतलब स्टार्ट करता हूँ। तो आपको सुनाता हूँ, आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर पसंद ना आए तो मतलब पसंद आए या ना आए जो भी है मतलब आप कमेंट बॉक्स में बता दें, और पसंद आएगा तो एक अच्छा सा लाइक दे दें और कमेंट कर दें।
तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको दोहा जो मेरे को काफी पसंद है। गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाल, गुरु गोविंद दो खड़े का केला गोपाल, बलहारी नरु आपने गोविंद दियो बता कबीरा, गोविंद दियो बता। तो यार आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में बता दीजिए और मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली मैं अपने शॉप के अंदर आ चुका हूँ और शॉप ओपन कर दी हमने और देखिए प्रेम भैया भी आ गए हैं और अभी हमारा टी ब्रेक हो रखा है, वही बस रुका, अभी हम चाय पीने जाएंगे, चाय पीने के बाद आएंगे तो फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। और देखिए प्रेम भाई अभी फोन वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे, प्रेम भैया और मैं जाएंगे चाय पीने के लिए, प्रेम भाई अभी लगा रहे हैं फोन वगैरह। चलो आ जाओ चाय पीने, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। तो गैस फाइनली मैं आ गया हूँ खाना खाने के लिए रूम में, अभी ये अभी लंच टाइम हो गया है और देखिए खाने में मैंने बना रखा है अभी ऑमलेट बना था, दूध हो गया और ये इसमें रोटियाँ हो गई। दरअसल गाइस ब्रेकफास्ट का जैसा सिस्टम चल रहा है मेरा, अभी लंच टाइम में मैं ऑमलेट दूध और रोटियाँ वगैरह खा रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि भाई लोग जो भी हैं जितने हैं सारे गाँव गए हुए हों शादी में और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा कि अकेला बंदा दाल चावल क्या बनाऊँ मैं, तो मैं अंडे और दूध ले आया और ऑमलेट बनाया मैंने, रोटियाँ बनाई, तो बस हो गया मेरा लंच भोजन। तो गाइज मैं पहले अब खाना खा लेता हूँ उसके बाद फिर मिलता हूँ आपको। गाइज खाना वाना मैंने खा लिया है और अभी मैंने कल शाम कपड़े धो करके छत पे डाले हुए थे तो उनको ले आता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि सुबह मैं ले आऊँगा उनको, लेकिन मेरे को याद नहीं रही और अभी धूप इतनी तेज लग रही है कि, तो आजकल इतनी गर्मी होने लगी है अभी इस टाइम में, देखिए आगे छत में बिल्कुल कितनी ज़्यादा धूप लगी पड़ी है। तो ऐसे में कपड़े जो भी आप डालते हो सुखाने के लिए तो उनका पूरा कलर वलर उड़ जाता है, ये अभी मेरे को याद नहीं रही सुबह। और बिकता भी बोल रहे थे कि मेरे भी ले आना, करके टी शर्ट उन्होंने भी डाल रखी थी यहाँ पे, तो ये भी मैं उनकी टी शर्ट भी भूल गया ले जाने के लिए, अभी मेरे को याद आई। देखिए अभी कितनी, मतलब अभी 1 बज रहा है तो इस टाइम में कितनी ज़्यादा धूप आ रखी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, 2 मिनट भी बिल्कुल खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तो मैं सीधे कमरे में चलता हूँ नीचे। सो फाइनली गाइस मेरा लंच टाइम खत्म हो चुका है और अब मैं शॉप पे जाऊंगा और प्रेम भैया जाएंगे आप खाना खाने के लिए, तो चलिए अब मैं शॉप में चलता हूँ तो उनको भेजता हूँ। सो गाइस मैं तो आ गया हूँ शॉप पे और अभी प्रेम भैया चले गए हैं खाना खाने के लिए, तो वो खाना खाने के करके आएंगे, तो अभी थोड़ा मैं काम कर लेता हूँ तो फिर मिलता हूँ उसके बाद आपको। सो गाइस फाइनली मैं अपने रूम में आ चुका हूँ और अभी देखिए मैं छत पे हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आगे भी आते रहेंगे और आप देखते रहोगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।